अगर आप शराब पीते हैं तो आप महापापी हैं, महानीच हैं और महाअयोग्य हैं। आपके लिए किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, आप हिंदुस्तानी भी नहीं हैं। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने बिहार विधान परिषद में सोमवार को ये बात तब कही जब शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक पास किया जा रहा था। नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उनसे किसी प्रकार की सहानुभूति की जरूरत नहीं, उसे कोई राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो बापूजी की बात को नहीं मानते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारतीय नहीं है, वो महापापी हैं और महाअयोग्य हैं। याद हुआ और राष्ट्रपिता की भावना, बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। वो भारतीय तो है ही नहीं, वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है तो उसका क्या मतलब। इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा इस सब प्रचार करना चाहिए बापू की बात। दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए, और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ पर पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा ने बुधवार को निषेध एवं उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस संशोधन से ऐसा पहली बार हो रहा है कि शराबबंदी कानून को कमजोर बनाया गया हो। नए संशोधन के अनुसार पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाएगी। अगर अपराधी जुर्माना नहीं देता है तो उसे 1 महीने की जेल का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार अब पुलिस किसी को शराबबंदी कानूनों का उल्लंघन करते हुए पकड़ेगी तो उसे उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जिसने उसे शराब उपलब्ध करवाई है। अब सवाल यह है कि ये बदलाव क्यों किया गया। तो बता दें कि प्रतिबंध के कारण बिहार की जेलों में बड़ी संख्या में लोग शराब पीने और शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में बंद है। इनमें ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग और गरीब परिवार से आते हैं। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने पिछले साल कहा था कि 2016 में बिहार सरकार के शराबबंदी जैसे फैसलों ने अदालतों पर भारी बोझ डाला है। उन्होंने कहा था कि अदालतों में 3 लाख मामले लंबित हैं। चीफ जस्टिस ने कहा था कि लोग लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब शराब के उल्लंघन से संबंधित बहुत से मामले अदालतों पर एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हैं। इसकी वजह से पटना हाईकोर्ट के 26 में से 16 न्यायाधीश शराब से जुड़े मामलों में ही लगे हुए हैं। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार का ये बयान कितना सही है और कितना गलत, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।